सिनेमे दिग्दर्शित केलेले आहेत, जसं की यमला बगला दिवाना, क्यों हो गया ना किंवा हिरोज, अशा अनेक सिनेमांचं दिग्दर्शन त्यांनी केलेलं आहे. आणि आता मराठी इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचा हा प्रवास सुरू होतोय. सो जोरदार टाळ्या आणि त्यांचं स्वागत करूयात आपण मराठी इंडस्ट्रीमध्ये. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी खुशबू जी, आपको क्यों लगा कि ये कॉन्सेप्ट लेकर ही आपको डायरेक्शन में, मतलब आपका ये पहला स्टेप है डायरेक्शन का, तो यही कॉन्सेप्ट लेकर आपको इस फील्ड में आना है या फिर डायरेक्ट करनी है यही कॉन्सेप्ट यही फिल्म? मैं क्यों हम लोगों को, अगर क्या चेहरा अगर खराब है तो हम क्यों एक सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते? बहुत सीरियस सा मुद्दा है ये, तो मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर डेफिनेटली एक कहानी मुझे कहनी है. तो वहाँ से उसके ऊपर स्टोरी डेवलप हुई, आइडिया है स्टोरी डेवलप की. तो आप और समीर जी ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, ये जर्नी आप दोनों का साथ में हुआ है इस कॉन्सेप्ट को लेकर. मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी, समीर जी आप भी बताइए. एक्चुअली हुआ ये था कि खुशबू से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को ये कहानी सुनाई, इट वॉज अ स्टोरी, एंड मुझे लगा कि इस फिल्म को, इस स्टोरी को डेवलप करना चाहिए और इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग बिल्कुल बनना चाहिए ऐसी फिल्म. इनफैक्ट मेरे को ये लगा कि कहानी 100% फिल्म में बननी चाहिए. फिल्म तो बन गई, अच्छी स्टार कास्ट है, मकरंद देशपांडे हैं, रिंकू राजगुरु हैं, विशाल आनंद है जो इस फिल्म में अपना इंट्रोडक्शन है, उनकी पहली फिल्म है एज अ डेब्यू फिल्म. फिल्म बन गई, सब कुछ हो गया, फिर आई रिलीज की बात, क्योंकि एक दौर ऐसा चल रहा था कि हर चीज़ OTT पे, सैटेलाइट पे, हर जगह वहीं जा रही थी. और इसका मैं शुक्र गुजार हूँ अनिल थरानी सर का, उन्होंने जो साथ निभाया हमारा ताकि ये फिल्म थिएटर तक पहुँचे. द होल फिल्म थैंक यू फॉर तो ये स्टोरी बन गई और अब आपके सामने कुछ ही दिनों में लग भी जाएगी तो आप सब देख पाएंगे. शायद मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी? नहीं, 2018 में. तो 18 में जब हमने शूटिंग शुरू करी, फिर जो अक्सर होता है कुछ रुकावटें आ जाती हैं, और उसमें हुई आशीष भालेराव और राकेश रावत की एंट्री. उन्होंने आए एज आर प्रोड्यूसर्स, एज आर पार्टनर्स, उन्होंने वापस फिल्म को एक दिशा दिखाई और हमने गाने वगैरह शूट करे और उसी साल आ गया तो गुड ओल्ड कोविड. कोविड ने सबकी लाइफ में एक रोड ब्लॉक लगा दिया तो हम भी बैठे रहे. और फिर जब वापस चीज़ें शुरू हुई तो जैसा कि मैंने कहा, इतना बैकलॉग हो गया है जैसा सर जब बताएंगे, एंड तो एक डेट ढूंढना बड़ा मुश्किल था. फाइनली ये डेट भी मिल गई, अब बाकी सब भगवान के हाथ में. बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए भी. आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, इतने दिनों का इंतजार आपका जरूर रंग लाएगा क्योंकि आप रुके और अच्छा टॉपिक थिएटर में सबको देखने के लिए मिलेगा. लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मराठी क्यों, क्योंकि आप दोनों हिंदी, मतलब आपकी भाषा हिंदी है, आपने मराठी सिनेमा क्यों चुना इस टॉपिक के लिए? बिकॉज मुझे लगता है कि जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है ये, और मराठी इंडस्ट्री, मुझे लगता है जो ऑडियंस है मराठी फिल्म की, वो अच्छे कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करती है, तो मुझे लगा क्यों ना इसको भी मराठी में. क्या बात है. और ये मराठी ऑडियंस ज़रूर ये फिल्म देखेंगे, ज़रूर इसको सराहेंगे हम. लेकिन और एक चीज़ है, शायद इस फिल्म में बहुत सा बैकग्राउंड मुंबई का ही है, मुंबई से, मुंबई बेस्ड फिल्म, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि Absolutely. तो हिंदी क्यों ना हो लेकिन मराठी ही है ये भी, क्योंकि इन्होंने मराठी फिल्म हमारे लिए दी है और एक अच्छा टॉपिक हमारे सामने ये पेश करने वाले हैं. आम्हा सगळा मराठी पत्रकारांना किंवा आम्ही सगळे जे मराठी इथे बसलेले प्रेक्षक आहेत सगळ्यांना हिंदी खूप छान येतं, समजतं, जसं तुम्हाला मराठी छान समजतं आणि आम्ही सगळे हिंदी समजून घेऊ शकतो, आणि त्यामुळे या दोन्ही भाषांमध्ये तसं फार अंतर नाही असं मला वाटतं. आपण एकमेकांना समजून घेऊ नक्कीच या सिनेमाच्या माध्यमातून. आता आणखी एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की इस सिनेमात बहुत सारे गाणे हैं, ऑफकोर्स आपका सिनेमा है, आपकी फिल्म है,
सारे बच्चे जो गाने हैं आपके फेवरेट ही होंगे, लेकिन कौन सा गाना आपका फेवरेट है, ज्यादा फेवरेट कौन सा?